ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप अगर रेडी हैं तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए रेडी, ताकि हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके सो अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का अगेन स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार के अंदर। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर प्लेस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घर पर सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम पंकज चौधरी है दोस्तों, और मैं आज आप सबके बीच में लाइव हूं जयपुर राजस्थान से। और आज का ये वेबिनार बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वेबिनार के अंदर हम जानने वाले हैं दार्जुम 9 के बारे में सब कुछ। कहां से शुरुआत हुई, किस विजन के साथ शुरुआत हुई, प्रोडक्ट से लेके प्लान से लेके हर एक चीज को हम जानने वाले हैं। और जिस पर्सन से हम जानने वाले हैं वो कोई लीडर नहीं है, वो ऑनर ऑफ दार्जुम 9 है। यानी हमें दार्जुम 9 के बारे में जानने का मौका मिलेगा उन शख्स के थ्रू जिन्होंने इसकी शुरुआत की है, जिनकी सोच से इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज पूरे ऑल इंडिया में जाना जा रहा है। आज आप और हम सब लोग जानते हैं कि दार्जुम 9 के बारे में आज पूरे इंडिया में बात हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो जिस भी तरीके से आप बात सुन रहे होंगे, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, मैं भी केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एक नया वर्ल्ड, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं जितना जानता हूं पिछले 7 से 8 महीने में दार्जुम 9 ने इस मार्केट के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नया कोर्स जोड़ दिया है। आप मान लीजिए कि आप एक तरीके से नई सोच लोगों के दिमाग में डाल दी है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है प्योर इंटेंशन और सच्ची नीयत से आपको कुछ करना होगा। आप सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड होके बहुत बड़ा नहीं कर सकते। और आज बहुत सारे हमारे लोग हैं जिनसे आए दिन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे, और ऐसे ही उन क्वेश्चंस के जवाब जानने के लिए मैंने आज टाइम लिया है डागर सर का। मेरी रिक्वेस्ट होगी जो भी लीडर हमारे बीच में, प्लीज आप अपना स्क्रीन वगैरह शेयर ना करें। मैं चैट बॉक्स में भी जाके एक बार सेटिंग सिक्योरिटी, यस मैं शेयर स्क्रीन भी ऑफ कर देता हूं ताकि आप डिस्टर्ब ना करें। मैं जानता हूं हम छोटे बच्चे हैं, मन के कच्चे हैं, हमें डिस्टर्ब करने की आदत है। तो उम्मीद है अब आप लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके सो आई होप आप लोग पूरी तरह रेडी हैं, एक्साइटेड हैं। एक बार अपना एक्साइटमेंट जरा चैट बॉक्स में दिखाइए। डागर सर हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं उनको इनवाइट करने से पहले आप लोगों का एक्साइटमेंट, मुझे पता है आप यहाँ बोल के या तालियां नहीं बजा सकते, लेकिन चैट बॉक्स में अपना एक्साइटमेंट जरूर दिखा सकते हैं। तो सर को इनवाइट करने से पहले, सर के लिए, सर को सुनने के आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, आप डिजिटल क्लैपिंग दिखा सकते हैं, आप अपना एक्साइटमेंट चैट बॉक्स में शो कर सकते हैं। तो जरा एक बार चैट बॉक्स में आपका एक्साइटमेंट देखा जाए, आपकी क्लैपिंग्स, डिजिटल क्लैपिंग्स मैं देखना चाहता हूं। और मैं देख लेता हूं सर आई थिंक हमारे बीच में है। यस यस सर हमारे साथ में है, तो मैं यहां सर को अभी को होस्ट बना देता हूं, ताकि सर मैंने आपको को-होस्ट बना दिया है। गुड टू गो पंकज जी। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर आपके प्रेसियस टाइम के लिए। मुझे पता है सर आपका इस टाइम पर शेड्यूल काफी बिजी चल रहा है, और मैं जानता हूं कि कितनी सारी गुड न्यूज करंटली दार्जुम 9 के अंदर चल रही है। मैं लगभग 3-4 दिन आपके साथ रहा अभी करंटली, मेरे को पता है कि कितने सारे लोग हैं जो बार बार आज मार्केट में दार्जुम 9 एक अलग ही लेवल पर छाई हुई है। बट सर थैंक यू सो मच आपने अपना समय दिया, और सबसे पहले सर स्वागत करता हूं आपका आज के इस वेबिनार के अंदर। हमारे सारे ही लोग एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए सर। चलिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन जो भी हैं लोग, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म, वेरी वार्म एक्साइटमेंट। चलिए थैंक यू सो मच। यस सर थैंक यू सो मच सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए सर शुरुआत कर देते हैं, लगभग 10 मिनट हमने ऑलरेडी निकाले हैं सारे लोगों को कनेक्ट करने में। तो सर शुरुआत में सबसे पहले यहीं से करना चाहूंगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मुझे पता है आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा और आपने सब जगह आंसर्स भी दिए होंगे, बट एक बहुत बेसिक है कि दार्जुम 9 की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, ये आप थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में अगर बता सके सर, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे लोग नए भी हैं सर। दार्जुम 9 का शुरुआत अगर एक्चुअली में हम बात करें, नाम और कंपनी का शुरुआत 2018 में हुआ फर्स्ट टाइम, लेकिन अगर सीडिंग बोलेंगे तो सीडिंग इसका बहुत पहले हुआ होगा। ब्रेन में बहुत टाइम से था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हम कर रहे थे, बहुत यंग एज में स्टार्ट किया था, लगभग 18 साल की एज में मैंने स्टार्ट किया था, जस्ट एज पूरा होते ही एकदम से इमिडिएटली बिजनेस के अंदर आ गए थे। लेकिन 6-7 साल वर्किंग करने के बाद, खूब सारा पैसा कमाने के बाद, एक डिससेटिस्फेक्शन था। वो डिससेटिस्फेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को लेके 1% भी नहीं था,
99% लोग आज बेवकूफी में उसे डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से रिलेट करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग तो पहली बार में समझ आ गई थी, अगर कोई मुझसे पूछे कि डायरेक्ट सेलिंग पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं उसको एक ही लाइन में आंसर करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई रास्ता है मिडिल क्लास के पास आगे बढ़ने का तो बताओ, क्योंकि मैं तो उसी कम्युनिटी से आ रहा हूं, और अगर नहीं है तो निभाओ, या तो बताओ या निभाओ, तीसरा रास्ता नहीं है। ये सुपर अमेजिंग इंतजार करते रहना कि कल को कुछ और बेटर आएगा, और बेटर आएगा, और रिस्पेक्टेबल आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। 5-7 साल का पैसा बनाने के बाद, काम करने के बाद एक चीज जरूर समझ में आ गया था कि काम तो बहुत बढ़िया है लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए वो तरीका नहीं हो रहा था। क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस मुझे आज याद है, जब मैं पहली बार सेमिनार लेने गया था नेटवर्क मार्केटिंग, तो लाइटली कन्विंस था, लोगों ने बोला वहां पर कि हम मूवीज देखने जाते हैं, बाहर आते हैं, मूवीज की माउथ रेफरेंस लोगों को करते हैं, लेकिन हम पैसा नहीं मिलता, यहाँ पर बस जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उस माउथ रेफरेंस करना है और पैसा मिल जाएगा। 18 साल की एज में मनी का रिक्वायरमेंट था, जब कुछ और चलता नहीं था, सिर्फ पैसा कमाना है, करेंशन गया इस चीज पे कि यार करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी किसी काम से उसी काम के प्रति आपका कॉन्फिडेंस कैसे लो हो सकता है। उस टाइम समझ में आया कि एक्चुअली में पैसा ठीक है, कमेज ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन गलती एक कर बैठा, काम का चॉइस ऐसा कर लिया, कंपनीज उन दिनों अच्छी थी नहीं, कंपनी की चॉइस ऐसा कर ली कि वो कंपनी का काम फर्टाइल नहीं था, तो आगे मुंह से रेफरेंस निकल नहीं रही थी, दिल से रेफरेंस नहीं आ रहा था, मजबूरी के कारण रेफरेंस आ रहा। तब पहली बार ये प्लान किया था कि इसी मॉडल पे अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो पहले दिन बताई गई थी कि बॉस उसको करो, और दिल से अगर आपके माउथ रेफरेंस निकल गई तो समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। वेटेड फॉर लॉन्ग ईयर्स, वर्कड विद मैनी कंपनीज, अब मैं वो लुकिंग गुड फैक्टर में भी नहीं जाता हूँ कि मैं बोलूँ नहीं मेरी पहली कंपनी भी अच्छी थी, दूसरी भी अच्छी थी, मैं बोलता हूँ बुरा कुछ नहीं था, बुरे जैसा लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, बुरा इंसान खुद होता है, उसकी सोच होती है, उसके काम करने के तरीके होते हैं, बाकी सब हो सकता है अच्छे ना हो लेकिन बुरे जैसा कुछ नहीं, तो वो उतने अच्छे नहीं थे, तो दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि कुछ बेटर किया जाए। तो केमिकल्स के मिसयूज को जब स्टडी किया तो मुझे एक बात समझ में आ गई, जो आज 2018 में जब मैं कर रहा था तो लोग बेवकूफ समझ रहे थे, कोविड का उस टाइम पे कोई जिक्र नहीं था, लोग बोल रहे थे मॉडल अनसक्सेसफुल होगा, ये प्रोडक्ट रेंज चल नहीं पाएगी, केमिकल फ्री इंडियन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक तो लोग सिर्फ महंगा ही सोचते रहेंगे। मैंने उन दिनों बोला था कि आने वाले टाइम पे ना ये मुद्दा डेली उठेगा, डेली उठेगा, कोई सेलिब्रिटी उठाएगा, कोई बाकी उठाएंगे, तो मैं केमिकल फ्री का फर्स्ट मूवर बनूंगा, डायरेक्ट सेलिंग में ओनली मूवर बनूंगा, तो ये 100% होने ही वाला है। और वहां से बस इस चीज का शुरुआत हुआ, हम लोगों ने एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लेके आए, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट लेके आए, पहली बार हमने नेटवर्क मार्केटिंग में कॉस्टिंग को ना देखते हुए सबसे पहला फैक्टर ये देखा कि कॉस्ट भले ही कुछ भी हो अगर प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देगा तो उसे लॉन्च ही मत करिए, भले ही वो प्रोडक्ट आपको 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए 25 रुपए 60 70 रुपए लेके आ सकते हैं, दुनिया में ढिंडोरा भी पीटा जा सकता है कि हम सबसे सस्ता प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पंकज जी सबसे सस्ते का ढिंडोरा नहीं चल सकता, शुक्र बाजार शनि बाजार जैसी मार्केट है जो ये ढिंडोरा पीटती है, हम सबसे सस्ते हैं हमसे ले जाइए, वहां ये फॉर्मूला जरूर काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग में फॉर्मूला काम करता है सर माउथ रेफरेंस, और माउथ रेफरेंस तब निकलती है जब आपके प्रोडक्ट में दम होता है, रिजल्ट होता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप ऐसा उतार रहे हैं जिसमें दम नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। ये द रेजिडेंट के पीछे टोटल थॉट था, फिर परमात्मा का दया रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि प्रोडक्ट्स ने रिजल्ट्स की लड़ी लगा दी, एक फेस वॉश भी हमारा 130 रुपए का फेस वॉश भी बहुत एक्स्ट्रा एक्सट्रीमली पॉपुलर हो गया कि बहुत अमेजिंगली रिजल्ट्स लोगों को आने लग गए, तो सुपर अमेजिंग रिजल्ट्स आए, उस चीज ने बहुत कुछ बेटर किया, तो वो बेसिक थॉट था द रेजिडेंट के पीछे। यस सर, सर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रोडक्ट का रिजल्ट ओरिएंटेड होना, और सबसे बड़ी बात जो आपने बोली कि एक जब आप सोच से किसी चीज को शुरू कर दो तो वो बड़ा बनता है, कोई भी स्टार्टअप होता है वो कहीं ना कहीं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शुरू किया जाता है तभी वो बड़ा बनता है। बट सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, चूंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हैं तो सर मैं क्वेश्चन उसी तरीके से पूछूंगा कि क्योंकि हमारे लोगों को एक बिल्कुल पॉजिटिवली वो क्वेश्चन लगे कि हाँ कि हर कोई सर अपने
प्रोडक्ट अच्छे ही बताएगा, कोई अपने माली कभी अपने बेर खट्टे नहीं बताता, हर माली के बाग में लगे हुए बेर बहुत अच्छे हैं। आप कहते हैं आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन की सुनते हैं उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे, हम जिस जिस लीडर को जिस जिस स्टेज पर सुनते हैं उन सबके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो सर ऐसा क्या है, मतलब हम क्या माने कि नार्जो मैन के प्रोडक्ट में ही ऐसा क्या खास है, अच्छे तो सर सबके होते हैं, हम कैसे माने कि यही प्रोडक्ट सबसे अच्छे होते हैं, या किस तरीके से इसको माना जाए? देखिए दो चीजें हैं पंकज जी, मैं आज तक ये बात मानता हूं कि जब इंडिया में लिटरेसी रेट इतना बढ़ गया, जब ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हमारे यहाँ पे पकौड़े बेच रहे हैं, जूस की रेडी लगा रहे हैं, अंडे की रेडी लगा रहा है, तो वो भी पोस्ट ग्रेजुएट आदमी है, उस युग में भी हम लोग मानने की तरफ जाना ही क्यों चाहते, हम जानने की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते? माँ बाप ने खर्चा कर दिया, हमने भी बेसिक पढ़ाई कर ली, गवर्नमेंट ने भी अपनी जिम्मेदारी निभा दी, हम अपनी जिम्मेदारी कब करेंगे? मैं दो चीजें बोलता हूँ सर, आपने बिल्कुल बोला कि मालिक तो बोलेगा कि मेरे बेर मीठे हैं, अपने बेरों को खट्टा कौन बोलेगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन एक बेर उस मालिक से मांग लो कि एक बेर तेरा ट्राई करता हूं, तो वो बेर तो नहीं बोलेगा ना कि मैं मीठा हूं, वो तो खट्टा ही बोलेगा, खट्टा है तो जी। मैं बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं प्रोडक्ट नहीं बोलते, तो मैं बोलता हूँ हाँ, प्रोडक्ट तब तक चुप रहता है, तब तक उसकी जबान बंद रहती है जब तक उसका ढक्कन बंद रहता है। एक बार आपके घर पे प्रोडक्ट है तो आप उसको कुछ भी बोल दीजिए, मेरा प्रोडक्ट है, जादू है, सोना है, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन सर जब प्रोडक्ट आपके घर पहुंच के उसका ढक्कन खुल जाता है ना, तो प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत सुंदर नई नवेली बीवी की तरह होता है जिसके साथ आपकी लव मैरिज हुई होती है, वो फिर चुप नहीं बैठता, वो टक 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 सारा दिन ये बताता रहेगा मैं कौन हूं, तेरे को बेवकूफ बनाया गया है कि तू समझदार है, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। प्रोडक्ट फिर रुकेगा नहीं, उसके बाद प्रोडक्ट की जबान खुलेगी और उसी दिन बंद होगी जिस दिन प्रोडक्ट पूरा खत्म हो जाएगा, और इस बीच वो बातचीत करके सब बता देता है, वो ये भी बता देता है कि मालिक के बेर भी खट्टे हैं, उसके अमरूद भी खट्टे हैं, उसके अनार भी सड़ चुके हैं, उसके उस पे आम पे भी भरोसा मत करना। इसीलिए मैंने कहा कि दर्ज नाइन में हमने ये थ्योरी ही नहीं अपनाई कि कोई भी प्रोडक्ट सस्ते के दम पे ले आओ, मत लेके आओ, क्या पता कोई आपके बाग का बेर खाने आए और आपने बेर ही खट्टा रखा हो लेकिन आपके आम बहुत मीठे थे, अगर आपका बेर उसने पहले टेस्ट कर लिया ना सर, आपके आम भी नहीं खरीदने वाला है। और नेटवर्क मार्केटिंग में 99.99% कंपनीज ने आज तक एक ही गलती करी, हम सस्ते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम शनि बाजार से भी सस्ता माल दे देंगे। अरे उसको ढूंढ कौन रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक सिद्धांत ये है कि व्यक्ति सिर्फ एक चीज खोज रहा है कि मुझे कुछ ऐसी चीज दीजिए जिसको जाके मैं बाजार में प्रमोट कर सकूं, वरना ये शनि बाजार का शनि जो है ये 7.5 तो हर मिडिल क्लास के लगी हुई है, शनि बाजार से बचने के लिए तो बेचारे नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, फिर घुमा फिरा के उन्हें शनि बाजार में ही ले जाते हैं, तो फिर फायदा क्या होगा सर? ये शनि की 7.5 कभी नहीं टूटेगी। तो प्रोडक्ट को जानने की जरूरत है सर, मानने की जरूरत नहीं है। मैं लाइव मीटिंग में ये बोलूंगा कि आप मान लीजिए मेरा बेस्ट है क्योंकि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो मैं उनसे भी बड़ा झूठ बोल रहा हूँ जिन्होंने आपसे पहले बड़े झूठ बोले हैं। प्रोडक्ट को जानने का तरीका सर, हर प्रोडक्ट्स पे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स की साइंस होती है। मैं बार बार 2018 से मेरे पुराने वीडियोस मिलेंगे, एक ही चीज लोगों को बोल रहा हूँ, चाहे वो दर्ज नाइन हो, चाहे वो एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, जेड कंपनी है, ट्रेडिशनल से है, नॉन ट्रेडिशनल से है, प्लीज ये मानने वाली थ्योरी खत्म करिए। आपके माँ बाप ने आपके एजुकेशन पे लाखों रुपए लगाए हैं, उन पैसे को, उनके विश्वास को, अपने माँ बाप को शर्मिंदा मत करिए। प्रोडक्ट्स उठाएं तो इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ें और एक बार दिमाग में ये जरूर सोचें कि मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं, तो मैं क्यों कर रहा हूं? टीवी पे दिख गया सिद्धार्थ शुक्ला लगाता है इसलिए कर रहा हूं, नहीं। कैटरीना कैफ यूज कर रही है इसलिए कर रहा हूं, नहीं। क्यों यूज कर रहे हो उसके पीछे सेंस होना चाहिए, लॉजिक तलाशिए। एक चारकोल पील ऑफ फेस मास्क लगाना है तो क्यों लगाना है सोचिए। चारकोल फेस वॉश कोई कंपनी दे रही है तो क्यों दे रही है? वो बोलती है कि इससे पोल्यूशन हटेगा, तो बिफोर आफ्टर करके देखिए, स्किन को 4-5 दिन में नोट करिए, सप्पलनेस नोट करिए, उससे क्या डिजायर्ड रिजल्ट है उन रिजल्ट को क्वेश्चन करिए। जब तक ये सब नहीं होगा पंकज जी, तब तक हम लोग सही प्रोडक्ट का चुनाव नहीं कर सकते और उसी चीज में फंस जाएंगे कि हर किसी के खट्टे बेर खा के लास्ट में हम बोलेंगे बेर खट्टे ही होते हैं, मीठे बेर कभी होते ही नहीं। सो एजुकेशन के बिना इसका कोई इलाज नहीं है। मैं आप लोगों को असिस्ट कर सकता हूं,
मदद कर सकता हूं इंग्रेडिएंट्स को समझने में। आपको नहीं समझ आता कैसे पढ़ना है, कैसे पता लगेगा, उसके हम सेशन लगा सकते हैं, जूम सेशंस लगा सकते हैं। एक प्रोडक्ट का आइडियोलॉजी क्या है, उसमें कंटेंट कैसे देखा जाता है, जैसे बहुत प्रोडक्ट्स पे लिखा रहता है पीछे ईच 10 ग्राम कंटेंट्स, 10 ग्राम में क्या क्या है, हम कभी पढ़ते ही नहीं सर। एक व्यक्ति ने लिख दिया लीवर सिरप है, दूसरे ने लिख दिया लीवर सिरप है, तो हम क्या क्वेश्चन करते हैं, सर ये लीवर सिरप सस्ता कैसे, ये महंगा कैसे। तो सामने से एक बात आएगी, इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या क्वालिटी अच्छी है मालूम ही नहीं है। हम ये भी नहीं कंपेयर करते कि 10 ग्राम से उसने डाला कितना है, 10 ग्राम में 5 ग्राम मटेरियल है कि 7 ग्राम मटेरियल है, पता लगे अगले ने लिख रखा था 10 ग्राम में 9 ग्राम चीनी है और 1 ग्राम अश्वगंधा मिलेगी, और आप क्या कह रहे हो, वाह ये प्रोडक्ट तो बहुत सस्ता है, ये क्योंकि 250 रुपए का था। दूसरे वाले ने क्या लिखा, मेरे को 10 ग्राम में 9 ग्राम आपको अश्वगंधा मिलेगा और 1 ग्राम चीनी मिलेगा, इसने 350 रुपए का प्रोडक्ट रखा। अब एक आदमी क्या बोल रहा है, ये महंगा है 350 वाला, 250 वाला सस्ता है, दूसरा बोला क्वालिटी अच्छी है, दोनों में कोई कुछ नहीं जानता। हम 1 ग्राम अश्वगंधा की कीमत 250 रुपए चुका रहे थे, तो 9 ग्राम अश्वगंधा की कीमत 2250 रुपए होनी चाहिए थी, जो 350 रुपए थी। दैट मींस ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मैं इसका 10 ml की बजाय 2 ml भी कंज्यूम कर लूं तो भी मेरी कॉस्टिंग बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगी और मैं पिछले प्रोडक्ट के मुकाबले डबल अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। लेकिन हम इन चीजों को सोचते ही नहीं, हम ग्रेड्स नहीं चेक करते हैं। तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट है टेक्निकली जाने पे, लेकिन बेसिक सब्जेक्ट है कि मानने से ज्यादा जानने पे जाओ, और अगर किसी प्रोडक्ट को जानना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना सीखिए। ज्यादा से ज्यादा ये 2 दिन ले लेगा, 3 दिन ले लेगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी 15 से 17 साल 18 साल एजुकेशन को दिए हैं, लाखों रुपए दिए हैं, तो भी प्रोडक्ट पढ़ना नहीं आया। अगर दारुशनाइन में आके मैं ये बोलता हूं कि 2-3 हजार 5 हजार 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीद के भी आपको जूम सेशंस मुफ्त में अटेंड करके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने आ जाते हैं, तो आई थिंक यही आपकी जिंदगी में लाखों करोड़ों रुपए बचा सकता है, आपके शरीर को बचा सकता है, आपको बीमारियों से बचा सकता है, आपके परिवार आपके पर्यावरण को बचा सकता है। ये बहुत क्रिटिकल चैप्टर है। तो मेरे प्रोडक्ट को मानने की जरूरत नहीं, हमने लैब रिपोर्ट्स कराए हैं, हमारे पास लाइसेंसेस यूनिक है जो किसी के पास नहीं है। वो चीजें बहुत कुछ स्थापित कर देंगी, वो थर्ड पार्टी चीजें हैं जो स्थापित करती हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगा, एक जानने पे जाइए, और दूसरा घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लेकिन इस्तेमाल भी उसी को करो जिसका इंग्रेडिएंट्स थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो। जिसका इंग्रेडिएंट समझ नहीं आ रहा उसको बार बार भी इस्तेमाल मत करो कि ये भी समझ नहीं आया ये भी नहीं। हर चीज को इस्तेमाल करके विश्वास करना नॉन एजुकेशन है, एजुकेशन है इंग्रेडिएंट्स पढ़ के फिर इस्तेमाल करके फिर विश्वास करना, उसमें हम लोग खरे उतरते हैं। इसलिए आज कंपनी के पास 86% का रिपीटेबिलिटी रेट, 200 प्रोडक्ट में 86% रिपीटेबिलिटी रेट इज मिरेकुलस। यस सर। तो सर मतलब बात यह है कि मानना नहीं है, जानना है, चीजों को एजुकेशन के साथ करना है। बट सर यहाँ पे एक चीज आती है, जैसे आपने बोला कि आपके पास बहुत सारे लाइसेंस हैं, लैब रिपोर्ट्स हैं, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो बात है, केमिकल फ्री की बात है, तो आजकल सर जैसे जब लोगों से बात होते बोलते हैं कि हम भी केमिकल फ्री हैं, हम भी ऑर्गेनिक हैं, जब बात लाइसेंस और लैब रिपोर्ट, क्योंकि ये डिसाइड कैसे होगा कि भाई है या नहीं है, तो और रिपोर्ट्स की जब बात करते हैं तो कुछ रहता है, ये रिपोर्ट तो 500-500 रुपए में मार्केट में मिल जाती है, तो इस सब पे आप क्या कहेंगे? आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑर्गेनिक के नाम पे अपना कोई भी माल छाप रही है। मेरे लिए बड़े आसान से सवाल है सर। मेरे को बहुत से लोग बताते हैं कि मेरा क्रश था, मैं तो बार बार बोल देता हूँ इस चीज को, मेरा क्रश था कैटरीना कैफ पे बड़ा तगड़ा, जब तक विक्की कौशल से शादी नहीं हुई। तो बड़े लोग बोल देते हैं कि ये स्टार तो बिकाऊ होते हैं, पैसे के पीछे हैं, ये है वो है। लेकिन फिर वही बात है सर कि अगर पैसे के पीछे तो मेरी मुलाकात किसी ने नहीं कराई, मैं तो स्पेंड करने को भी तैयार था। दूसरी बात, अगर 500-500 पे रिपोर्ट्स बिकती हैं तो मुझे समझ नहीं आता पंकज जी, ये बात किसी की बोलने में बुराई क्या जाती है कि अरे रिपोर्ट्स तो बिकती है मैं तो खरीद लेता, पर खरीदा खरीद लेना सवाल खत्म हो जाएगा, 500 रुपए की बात है, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, अगर खरीद सकता तो खरीद ले। ये कितने लोगों को कहानियां सुनाओगे, 1000 लोगों को भी अगर आपको ये बताना पड़ा कि ये रिपोर्ट 500 रुपए में आती है, तो मैंने पंकज जी मैं ज्यादा समझदार हूं ना, मैं उस केस में भी ये बोलता हूं मेरे साथ काम करो, मेरा सर्टिफिकेट झूठा है तो भी मेरे साथ काम करो, क्योंकि कम से कम मैं बुद्धिमान तो हूं। मैं 10,000 लोगों को यह समझाऊंगा कि भाई साहब सर्टिफिकेट झूठे हैं, रिपोर्ट खरीद ली जाती है, बनवा ली जाती है, तो मेरा पर व्यक्ति बहुत टाइम लगता,
तो मैंने कम से कम पर व्यक्ति 30 पैसे खर्च करके अपना टाइम तो बचा लिया, तो इसी बुद्धिमानी के कारण आ जाओ, ये भी तो समझदारी है। अगर बनती है, पता है, नकली है तो बनवा लो ना यार, बोलने वाले तो सभी मिले। मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं, चलो मैं वो एक्सरसाइज यहां ओपनली कर देता हूं। अब इन्हीं बहादुर लोगों को बहादुर लोग टकराएंगे, कुछ इन्हीं में से बहादुर होंगे। हाँ मैं बोलता हूं, नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और लैब रिपोर्ट झूठे बनते हैं, सर्टिफिकेट्स भी झूठे बनते हैं, मैं लाइव मीटिंग में मान रहा हूं, ठीक है। तो बनवाने वाले बन जाओ ना, मुझे ही बेच दो, मैं पब्लिक को बेच दूंगा, पब्लिक तो मेरे से खरीद ही रही है। लेकिन आज तक ये बात बोल के पंकज जी को मुझे माल बेचने नहीं आया। चलो मेरा माल खरीद नहीं रहे हो ना, ठीक है, डन है, मत खरीदो मेरा माल, मेरा सर्टिफिकेट जाली है, मेरे लैब रिपोर्ट नकली है, मत खरीदो माल, बेच तो दो यार। तुम्हारे को तो जुगाड़ भी पता है नकली सर्टिफिकेट बनवाने के, मुझे नहीं पता है, मैं अपनी गलती मान लेता हूं, मैं अनभिज्ञता मान लेता हूं, मुझे नहीं आते नकली सर्टिफिकेट खरीदने, नकली लैब रिपोर्ट बनवाने, मैं पैसा बर्बाद कर रहा हूं। तो कम से कम मुझसे माल खरीद नहीं सकते, तो आज की तारीख में मैं महीने का 25-30 लाख का माल तो बेचता ही हूं, कम से कम मसालों में। वो 30 लाख अगर खरीद नहीं रहे हो 300 रुपए का, तो 30 लाख की बिक्री कर लो, बेचने में तो कुछ नहीं जा रहा पंकज जी, जिसको जुगाड़ पता हो बेच लेगा, तो ये कर लीजिए। और रही दूसरी कंपनियों की बात, उन्हें पता ही है सर सर्टिफिकेट नकली हैं, सब कुछ है, तो बस मैं तो एक ही बात बोलूंगा भाई, तुम भी लेके रख लो, बस इतना ही बात है। जिस दिन हो जाएंगे उसके बाद सेकंड स्टेज की बात करूंगा सर, सारा ज्ञान उनको एक दिन में क्यों दूं, पहले एक पंगे में पैर वो डाल लें, अच्छे तरीके से फंस जाएं, फिर उन्हें सेकंड स्टेज का ज्ञान देंगे। तो मेरा तो बड़ा सरल रहता है, मेरे को बातें ही नहीं करनी आती जो मोटिवेशन हो, मुझे तो दो बातें समझ आती है, खरीद नहीं रहे तो बेच लो, और सवालों के जवाब कब तक दोगे, अगर मैं बेवकूफी बना रहा हूं तो चलो तुम भी बना लो, 500 रुपए में सर्टिफिकेट आता तो बनवा लो सर, 500 रुपए भी नहीं फूक रहेगा, उस लीडर को बैठा के उसके साथ लंच करोगे तो 150-200-500 रुपए फूक जाएगा। तो बार बार हर किसी के साथ लंच करके ये समझाना, अरे नहीं दारुजना नकली काम करती है ये, तो 500 रुपए में लैब रिपोर्ट बन जाती है, तो तुम भी एक बार 500 खर्च ही लो ना यार, क्यों टेंशन में ले रहे हो, क्यों दारुजना इनको काउंटर कर रहे हो, तुम भी एक बार नाम चढ़वा लो अपना, जैविक भारत पे क्या जा रहा है तुम्हारा, तुम भी निकालो सर्टिफिकेट्स वगैरह, कहाँ फाइट आ रही है। लेकिन 5 साल में कोई नहीं निकाल रहा पंकज जी। दूसरी बात, मुझे यह हैरानी होती है, मैं तो छोटा ग्रुप हूं, मुझे तो जुगाड़ करने आ गए, चलो मैं तो 2018 में स्टार्ट हुआ, मसालों में 20-25 लाख की सेल है, लेकिन मैं अपने आप की एक और अचीवमेंट मानता हूं उन्हीं के नजरिए से। देखो MDH आज अरबों रुपए का काम कर रही है पंकज जी, लेकिन उनके यहां पे किसी से 500 रुपए वाली सेटिंग नहीं हो पाई, और मैंने 500 रुपए वाली सेटिंग कर ली तो भी तुम्हें जीनियस हूं सर, कैच से नहीं हो पाई, एवरेस्ट से नहीं हो पाई, टाटा संपन्न से नहीं हो पाई, मैंने सेटिंग कर ली तो मेरी इतनी जब तक करो, मैं टाटा ग्रुप से बड़ा ग्रुप हूं, जो सेटिंग टाटा नहीं कर पाए, USD ऑर्गेनिक नहीं कर पाए, जो टाटा ग्रुप ने ऑर्गेनिक क्लेम नहीं करा, कम से कम मैंने वो सेटिंग करके वो सर्टिफिकेट तो ले लिए, टाटा नहीं ले पाए तो उसी का इज्जत कर लो। ये सब फिजूल का बातें हैं सर, ये सब कहने की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं, मूर्ख इंसान मूर्ख बातें करे उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन हाँ ये ऑफर ओपन है, जिस किसी दिन आप लोगों को मिल जाए, कोई भी मिल जाए, जो कहे कि मैं जुगाड़ करा के मैं जाली सर्टिफिकेट दे दूंगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दूंगा, लैब रिपोर्ट दे दूंगा, सर वेलकम कर लो सर। 5 साल में तो कोई लौट के नहीं आया है, कोई महानुभव आएगा तो बुला लेते हैं लौट के। राजस्थान गवर्नमेंट पागल है और वो लोग भी पागल है, मैं राजस्थान में माल बेच रहा हूँ, आधी टीम मेरी राजस्थान बैठी है, राजस्थान सरकार ने शुद्ध के खिलाफ युद्ध, शुद्ध के लिए युद्ध छेड़ा हुआ है, 50,000 रुपए का जुर्माना लगा रही है, तो मेरी 2-4 कंप्लेंट ही करा दो, कम से कम 5-7 लाख तो ढीले होंगे, मैं झूठे सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस है तो सर उनको बोलिए कि आप हमारे साथ चलिए, आप उनको अपने साथ लेके जाइए, बोले सर मैं अपना पैकेट खुद सरकार को खुद ही जमा कराऊंगा चेक करने के लिए, आप मेरे साथ चलो, लेकिन अगर हम नहीं फंसे तो हमारे को ज्वाइनिंग दे दो, फंस गए तो हम माफी मांग लेंगे। तो ऐसे बड़े सारे प्रोसेस है सर, बट कोई भी आदमी एफर्ट नहीं डालेगा उनका, वो है एक माइंड मत करिएगा। एक मैं हरियाणा बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हमारे यहाँ एक बुरी कहावत है, तो बोलते हैं कि उपले जिसमें रखा जाता है, हमारे यहाँ उसको बिटोड़ा बोला जाता है, जिसमें उपले रखे जाते हैं, तो बोलते हैं कि अगर बिटोड़े का मुंह खुलेगा तो उपले निकलेंगे। तो बहुत से बिटोड़े हैं सर मानव जीवन में, जब भी मुंह खोलते हैं तो उपले निकलते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तर्कहीन बातें कर सकते हैं सर। सर एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है कि डागर साहब को प्रोडक्ट की नॉलेज काफी है और डागर साहब को नेटवर्क मार्केटिंग की समझ नहीं है, उनको प्रोडक्ट की अगर है तो उनको लोगों को प्रोडक्ट देने का काम करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट नहीं चलता है,
नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोगों को बोले मीटिंग्स दिखाना, लीडरशिप काम करती है, प्रोडक्ट नहीं चलता है। डागर साहब को कंपनियों को प्रोडक्ट देने का काम करना चाहिए, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का वो नहीं। तो ये चीज बहुत आती है सर। देखो दो चीजें हैं, मेरे को तो ये भी नहीं पता क्यों मुझे ये सलाह क्यों दे रहे, अपना काम ही कर ले, मैं तो अपना ही कर रहा हूँ। तो मैंने तो आज तक ये सलाह भी नहीं बांटी कि मेरे पास टाइम ही कम है, मेरे पास लोग ज्यादा हैं, टाइम कम है। दूसरी बात, अगर मैं बेवकूफी कर रहा हूं तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा, वो व्यक्ति जो मेरे साथ काम कर रहा है वो तो कह रहा है सर ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, इस चीज को करो। जो मेरे साथ काम नहीं कर रहा, जो चाह रहा है कि मैं काम नहीं कर पाऊं, वो मुझे सही काम करने की सलाह दे रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इतना बेवकूफ मैं नहीं हूं कि मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। दूसरी चीज क्या है, मेरे को इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एमएलएम में प्रोडक्ट काम नहीं करते, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है एमएलएम में काम क्या करता है। अगर वो लोग बोलते हैं कि एमएलएम में मीटिंग्स काम करती हैं तो लोग पैसे के लिए आए हैं, तो मैंने अभी एक ने पूछा बोला सर एमएलएम में ना लोग आते पैसे के लिए हैं, तो मैंने कहा कल मैं एक रिक्शा में बैठा हुआ था तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू रिक्शा क्यों चलाता है, तो उसने कहा मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, श्री राम की सेवा में लगा हुआ हूँ, तो मैं सब में श्री राम देखता हूँ, मैं तो लोगों की सेवा करने के लिए रिक्शा चलाता हूँ। एक रिक्शा वाले ने मुझे बोला सर बेवकूफों वाली बात कर रहा हूँ, पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। फिर मैंने एक अमरूद की रेडी वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तू किस लिए अमरूद की रेडी लगा रखा है तूने, तो उसने बोला कि सर कैसी बात कर रहे हो, मेरे को लोगों को अमरूद खिलाने पसंद है, मेरा बचपन में पैशन था कि मैं लोगों को अमरूद खिलाऊंगा। तो मैंने कहा तेरे ऐसे पैशन भी था, बोले बेवकूफ डागर साहब दिमाग खराब है आपका, पढ़े लिखे होके पैसे के लिए रेडी लगा रहा हूँ, वरना मेरे को क्या इंटरेस्ट है पैसे की रेडी लगाने में। मैंने कहा यार ये भी कमाल है। फिर मैं एक बीएमडब्ल्यू बेचने वाले के पास गया, सर पिछले दिनों मैंने बीएमडब्ल्यू खरीदी, तो मैं उसके पास गया, तो जो शोरूम वाला था मैंने उसे बोला, मैंने कहा सर आप बीएमडब्ल्यू क्यों बेच रहे हो, तो उसने कहा यार मेरा मन था जब लोगों को रेसिंग कार चाहिए हो, बढ़िया गाड़ी चाहिए हो, तो मैं बचपन से चाहता था मैं लोगों को अच्छी गाड़ियां बेचूं ये वो। तो मैंने कहा आपका भी बड़ा है, बोला पागल हो गया क्या, मुझे पैसा बनाना, मैं बीएमडब्ल्यू बेचता हूँ। तो मैंने कहा आपको भी पैसा बनाने के लिए गाड़ियां बेच रहे हो, रिक्शे वाला भी पैसे के लिए रिक्शा चला रहा है, अमरूद की रेडी वाला भी अमरूद के पैसे के लिए अमरूद की रेडी लगा रहा है, तो फिर ये नेटवर्कर अलग से हाइलाइटर क्यों चलाते हैं, नेटवर्किंग हम किस लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। हमें कोई कुछ भी कर रहा है भाई, पैसे के लिए कर रहा है। तुम कौन से नए प्राणी हो, तुम कौन से जंगल के अजीब प्राणी हो, सब पैसे के लिए हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मनी, बट एवरीवन इज वर्किंग, एवरीवन इज सर्विंग सोसाइटी। एक अमरूद की रेडी वाला अपने पैसे कमाने के लिए काम करता है, लेकिन पब्लिक को एक अच्छी सर्विस देता है, एक अच्छा प्रोडक्ट अमरूद घर घर पे पहुंचाता है, उनको विटामिन सी देता है, गुड फाइबर देता है, जिनसे उनका कॉन्स्टिपेशन क्लियर होता है। ये अमरूद की रेडी वाला करता है। एक रिक्शा वाला आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, लूटता नहीं, माहौल नहीं बनाता। रिक्शा वाले भी माहौल बनाते हैं, ऐसा नहीं वो खड़े होते हैं। क्या लगता है रिक्शा वाले माहौल नहीं बना रहे? आप मेट्रो स्टेशन जाओ, एक के बाद एक रिक्शा खड़ी होगी, बस स्टैंड जाइए, क्या माहौल नहीं है? माहौल बनाता है, एक रिक्शा वाला भी बनाता है। एक अमरूद की रेडी वाला जब चिल्लाता है, चीखता है अमरूद ले लो 25 रुपए किलो, लूट गया लूट गया लूट गया, क्या वो माहौल नहीं बना रहा? बना रहा है, लेकिन एंड में सोसाइटी को सर्व कर रहा है। एक रिक्शा वाला सोसाइटी को सर्व कर रहा है, एक बीएमडब्ल्यू वाला भी सोसाइटी को सर्व कर रहा है। बट एक नेटवर्कर क्या बोलता है, स्टेज पे जाओ, जोर जोर से चीखो, जोर जोर से चिल्लाओ, और बस यही करते रहो, इससे पैसा आना चाहिए। सोसाइटी को सर्व कहां किया आपने? सोसाइटी का तो बेवकूफ बन गया। फिर बाद में आप बोलते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बुरी चीज है, लोग गालियां देते हैं। जब तक आप कर्तव्य करके दिखाओगे तो सर्कस में कर्तव्य होता है। नेटवर्क मार्केटिंग कर्तव्य करने का व्यापार नहीं है। अरे नेटवर्क मार्केटिंग पंकज जी माहौल से चलता है, माहौल से, सब कुछ माहौल से चलता है। सर्कस का माहौल है, थिएटर का माहौल है, क्रिकेट मैच का माहौल है, आपका रिक्शा का माहौल है, आप सब्जी केटरिंग करते हैं माहौल है, आप मसाले बेचते हैं माहौल है, हर चीज में माहौल की जरूरत पड़ती है। शनि बाजार में भी एक माहौल है, आप उस माहौल को डिस्टर्ब कर दीजिए, नहीं बिकेगा। ये कैसा फलसफा है कि हम सबको लूट लेना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पे प्रोडक्ट का कोई महत्व नहीं है, तो आप बेच क्या रहे हैं, सोसाइटी को सर्व कैसे करेंगे? क्या हम चोर हैं? क्या हम डकैती करने आए हैं? जो स्टेज पे हो रहा है सर इस बेवकूफी की वजह से, उसी को पागलपन बोलते हैं। मैं तो एक चीज देखता हूँ, पागल खाने में जाइए तो पागल की पहचान क्या है, वो कुछ बातें कर रहा होगा रिपीट मोड में, वही बात तेज तेज चिल्ला के, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इधर से उधर घूम रहा होगा और सबको बोल रहा होगा हम पागल नहीं है, मैं पागल नहीं हूं, तुम पागल हो, तुम ऐसा हो। सर नेटवर्क मार्केटिंग के स्टेज पे आइए, सेम ही हालात है।
लॉजिकल कोई बात नहीं है, वो भी चीख रहा, वो भी चिल्ला रहा है, तो मुझे तो समझ नहीं आता पागल खाने के पागल में और बिना प्रोडक्ट बेस की कंपनी के लीडर में जो स्टेज पे खड़े होकर चिल्ला रहा, दोनों में डिफरेंस क्या है? बस एक टाई पहन के चिल्लाता है, एक बिना टाई के, और कोई अच्छा लेवल का पागल है तो उसने टाई भी डाली होती है, तो इन दोनों के अलावा कोई अंतर नहीं है सर। जब तक प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग का नहीं, पंकज जी, एक अच्छी प्रोडक्ट या एक अच्छी सर्विस, एक अच्छे रिटेल का, एक अच्छे होलसेल का, एक अच्छे सीएंडएफ का, एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर का और एक अच्छे बिजनेस ग्रुप का बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो क्या बोलते हैं कि डागर जी प्रोडक्ट दे दे दूसरी कंपनियों को, एमएलएम कंपनियों को। चलो मैं आपके लास्ट लॉजिक पे आता हूं, अब मैं आपसे उल्टा प्रश्न कर रहा हूं सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, कोई भी दे सकता आप सब में से। वो लोग बोलते हैं कि डागर जी नेटवर्किंग ना करें, ठीक है मैं सहमत हूं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं कल सुबह से ही नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं। वो बोलते हैं कि डागर जी प्रोडक्ट के आदमी, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाते हैं तो प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों को दे, ठीक है सर मैं ये मान लेता हूं, तो फिर दूसरी कंपनियां मतलब मेरे प्रोडक्ट पे नेटवर्किंग करे, वो ऐसा बोल रहे हैं। वो कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब मैं प्रोडक्ट बना के कंपनीज को दे दूं तो वो कंपनीज क्या करेंगे उन प्रोडक्ट्स का, मेरा तो चलो काम हो गया, वो क्या करेंगी? तो बोलेंगे वो नेटवर्किंग करेंगी, तो मैं खुद भी तो वही कर रहा हूं, मुझे यही करने को तो मना कर रहे थे कि भैया प्रोडक्ट बना बना के कंपनीज को दो, तो वो क्या करेंगे, किन कंपनीज को दो, नेटवर्किंग कंपनीज को, तो वो मैं खुद ही कर रहा हूं, मैं क्या दूंगा भाई, पागल पुगले दिमाग में कीड़े तेरे, तो मैं अपना प्रोडक्ट खुद ही बेच पा रहा हूं नेटवर्किंग करके, तो मैं नेटवर्किंग कंपनीज को प्रोडक्ट क्यों दूंगा, व्हाई गो विद दिस लॉजिक। तो वो बेचारे बोलने से पहले सोचते नहीं है सर, उनका एक बार 10th का मार्कशीट मंगवाइएगा, मेरे ख्याल से होंगे कुछ 10-12 नंबर, कह देते हैं बेचारे सोचते नहीं है, बहुत होता है ऐसा, हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में पेपर भी तो नहीं है, एग्जाम भी तो नहीं है, मेरा बस चले तो मैं 12वीं पास तो रखूं कम से कम इसको, तो उनका बुरा नहीं मानते सर लोग, बात कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर आजकल जैसे मार्केट में अब हर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मैं इस बात को तो खैर सब लोगों ने एक्सेप्ट कर ही लिया है, प्रोडक्ट पे ही लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। तो अब आपको क्या लगता है, मतलब जैसे मार्केट में हर कोई कह रहा है कि हम भी केमिकल फ्री हो गए हैं, हम भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो इस चीज में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे मतलब जैसे दारजूब है जैसे प्रोडक्ट एक्चुअल में बना रही है, अब बहुत सारे लोग हैं जो बता दें कि यार हम भी तो ऑर्गेनिक ही हैं, हमारे प्रोडक्ट भी ऑर्गेनिक हैं, हालांकि आपने बताया कि जानने की जरूरत है इंग्रेडिएंट वगैरह पढ़ने की, लेकिन स्टिल मार्केट में जो एक फ्लो हर कोई बना रहा है कि हम भी ऑर्गेनिक हो गए, अब तो हम भी दारजूब 9 हो गए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अचीवमेंट है सर मेरी, 5 साल पहले मुझे बेवकूफ कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि हम दारुज 9 हो गए हैं, तो पहली चीज तो मेरी अचीवमेंट है, आई विल गिव गुड क्लैप टू माय सेल्फ, अच्छा काम किया मैंने। मैंने बोला भी था उनको कि आज हम बोल रहे हैं हम भी केमिकल फ्री, कल तुम भी बोलोगे तुम भी केमिकल फ्री, लेकिन सच तो नहीं बोल पाओगे, बोलने की ताकत भी नहीं है, तुम्हें समझ ही नहीं तुम बोल भी क्या रहे हो। तो ये तो क्लियर था पंकज जी, फेजेस थे। सबसे पहला फेज आया था जब उन्होंने कहा था कि ये कंपनी चलेगी नहीं, कंपनी चल गई सर। सेकेंड फेज आया, बोले जितेंद्र डागर बेवकूफ बना रहा, केमिकल फ्री कुछ होता ही नहीं है, वो भी पास हो गया सर। थर्ड स्टेज में बोले कि नहीं वो ये झूठ बोलता है, केमिकल फ्री मत बोलो उसे, बोलो बोले हार्मफुल केमिकल फ्री। तो मैं उसका जवाब ही समझा रहा था लेकिन समझा नहीं पा रहा था, तो मेरी किस्मत बहुत तेज थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 महीने में 3 बार अपनी स्पीच में केमिकल फ्री बोल दिया, तो मैंने बोला मुझे मत समझाओ मोदी जी को समझाओ, वो इंटरनेशनल नोशन है, हार्मफुल केमिकल फ्री को केमिकल फ्री बोला जाता था, अब बेचारे गवार थे तो नहीं बोल पा रहे थे, अब हम थोड़े पढ़ लिख गए थे, ज्यादा तो नहीं ठीक ठाक पढ़े लिखे थे, तो हम हार्मफुल केमिकल फ्री की जगह केमिकल फ्री बोल रहे थे क्योंकि इंटरनेशनल नोटेशंस को समझते थे। उसके बाद मोदी जी के बोलने के बाद उनके सवाल जवाब खत्म हो गया, उन्हें लगा यार ये तो गलत हो रहा है, इसका मिशन तो रोज अखबारों में छप रहा है, सेलिब्रिटी भी बोल रहे हैं, पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, तो उन्हें लगा कि डागर जी अकेले मुद्दा खा जाएंगे, ये इसने साबित कर दिया कि बुद्धिजीवियों में से एक है, तो उन्होंने बोल दिया अब हम भी केमिकल फ्री हैं। चलो अच्छी बात है, बने रहो, 2023 आ रहा है, हम तख्तियां छपवा के बंटवाने वाले हैं बड़ी जल्दी, मैं इंतजार ही कर रहा हूँ एक बार कुछ और कंपनी बोल दे कि ऑर्गेनिक अच्छा होता है, खाना चाहिए और केमिकल फ्री। तो ऑर्गेनिक का तो खैर हम बता रहे हैं, बाकी कौन कौन से केमिकल्स हैं, लेबल पे क्या लिखा जाता है, उसकी भी एक बुकलेट हम 2023 में मौका देखते ही निकाल देंगे, बना के तैयार है। तो उनमें से अगर कोई मेरी लाइव वीडियो सुनना तो ये बेवकूफियां मत करो, बना के तैयार हैं। 2023 में मैं अच्छे से बताने वाला हूँ कि केमिकल फ्री क्या होता है, केमिकल पकड़ा कैसे जाता है,
कैसे चीज होगी, वी आर रेडी विद टूल्स, वी आर वेटिंग फॉर द टाइम। वो बोला जाता है ना, महाभारत में मैंने बहुत देखी है, मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, तो अर्जुन को बताया था कि पहले शस्त्र चलाओ, अस्त्र चलाओ, फिर दिव्यास्त्र चलाओ, ब्रह्मास्त्र लास्ट तक बचा के रखो। तो ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है, अभी हमने ब्रह्मास्त्र चलाया कहा है, एक बार सब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिकल फ्री कर लें, हमारे पास ब्रह्मास्त्र भी है, त्रुप का है हमारे पास, अभी अभी तो चारों बचे हुए हैं, अभी तो हम बादशाह तक भी नहीं खेले हैं आराम से, बड़ा कॉम्पिटिशन को हम बहुत असल टाइम देंगे, उनके लिए हमारे साथ सीखने सिखाने को बहुत कुछ है, लंबी यात्रा है, चला के रखेंगे उनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तो हमने जैविक भारत बोला, अभी तो उनसे वही नहीं पूरा हुआ है कि हमने बताया कि वेज पहचानना हो तो प्रोडक्ट पे ग्रीन देखो, नॉन वेज पहचानना हो तो रेड देखो, वीगन पहचानना हो तो वी देखो, और ऑर्गेनिक पहचानना हो तो जैविक भारत की स्टैंप देखो। अभी तो पिछले 5 साल से वो लोग वही नहीं ला पाए, तो केमिकल फ्री पंकज जी बहुत बड़ा एजेंडा है, अभी उन्हें ये नहीं पता कि तुरुपका एक्का है, ये भी हमारी साजिश का एक हिस्सा है, हमारे षड्यंत्रों का, हमारे चेस की बाजी का, कि एक बार हम सबके मुंह से निकलवा लें कि वो भी केमिकल फ्री हैं। एक बार वो ये बोल दिया ना, पहले ये बोल रहे थे डागर बेवकूफ बना रहा है, कम से कम सब बेवकूफ बना रहे हैं, तो बस मैं ये बता दूंगा एक बार उनके बोलने के बाद कि हाँ केमिकल फ्री अच्छा होता है, लेना वही चाहिए, बस इतना वो बोल दें, उसके बाद मैं जाके कर दूंगा कांड। मेरे पास एटम बम रखा हुआ है, हाई मेगाट्रॉन का है, 90 मेगाट्रॉन का है, अपन आराम से प्यार मोहब्बत के साथ ड्रॉप करेंगे, लड़ाई झगड़ा तो आता ही नहीं हमें, तो वो हम कर लेंगे, हमारी टीमों को ही नहीं आता, हमारे बच्चे कभी किसी को फेसबुक पे गाली नहीं लिखते, गलती नहीं लिखते, तो आराम से ड्रॉप करेंगे, इंतजार करिए, 2023 आ रहा है, और थोड़े लोगों को बोलने दीजिए, उनका ताकत और बनाइए, बोलो तुम भी जोर शोर से ऑर्गेनिक बोलो, मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ, उसके बाद हिसाब किताब हो जाएगा सर। सर इसमें एक छोटी सी लाइन आपने खुद ने ऐड कर दी थी, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है मार्केट में, जो आपने बोला तो मेरे को याद आ गया, कि जैसा लोग बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई केमिकल ना हो, प्रिजर्वेटिव भी यूज करते होंगे प्रोडक्ट में, तो केमिकल उसमें भी डालते होंगे, तो ये सब कहने वाली बात है, केमिकल्स तो हर जगह यूज होते ही होते हैं, और अभी भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किए मेरे को चैटबॉक्स में डाला कि सर हमें लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि केमिकल्स तो यूज होते ही है, कहने वाली बात है, प्रिजर्वेटिव में भी तो केमिकल्स यूज होते हैं, तो सर इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? सर जिनको भी ये लगता है बिना केमिकल के उत्पाद बन नहीं सकते, उनकी जो पहली पीढ़ी का जो पहला पूर्वज 40 साल पहले आया है, क्योंकि अगर बिना केमिकल के प्रोडक्ट बन ही नहीं सकते तो वो लोग क्या बोलेंगे, मतलब अकबर महात्मा के टाइम पे, अकबर महाराज के टाइम पे भी ये था, अशोक कौन सा केमिकल यूज करते थे? सर आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारे देश में किस टाइम पे केमिकल इंट्रोड्यूस हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कोई केमिकल था ही नहीं वर्ल्ड के अंदर, तो उस टाइम क्या बोलेंगे आप, कैसे बोलेंगे? कृष्ण जी के टाइम पे क्या रहा होगा सर, बुद्ध जी के टाइम पे क्या था, बाबा नानक के टाइम पे कौन से केमिकल्स अवेलेबल थे, महात्मा बुद्ध किस किस केमिकल से श्रृंगार करते थे, वो बताए जाने चाहिए। क्या प्रिजर्वेशन न्यू कॉन्सेप्ट है? मैं ऐसे बुद्धिजीवियों पर हंसता हूं जिनको परमात्मा ने जरा सी भी बुद्धि नहीं दी, मतलब अगर ईश्वर करे तो मैं आज कमिट करता हूं कि मेरे को भले ही ज्यादा ना दे, पर जो 2 ग्राम बुद्धि मुझे दे रखे हो, 2-2 mg कहीं ना कहीं बांट दे तो भला हो जाएगा। मैं एक छोटी सी चीज पंकज जी आपसे पूछता हूं, हैज एनीवन हर्ड अबाउट वन थिंग, पिरामिड्स? पिरामिड सुना सब लोगों ने? जी सर। क्या पिरामिड्स? पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे सर? पिरामिड्स बनाए गए थे फेरोस की मम्मीज को प्रिजर्व करने के लिए। मैं फ्रूट्स की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं फॉर्मुलेशंस की बात नहीं कर रहा हूं पंकज जी, पाउडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसानी शरीर की प्रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, मृत इंसानी शरीर के प्रिजर्वेशन की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। फ्रूट्स को प्रिजर्व करना, सनड्राई करके मसालों को प्रिजर्व करना तो हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा कर देगा, आदिवासी लोग कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी चक्कर नहीं है, 2-2 साल 5-5 साल खराब नहीं होती चीजें, वो तो हमारे यहाँ के बच्चे कर लेंगे। नीम का तेल डाल के अनाज को बचाने की प्रथा हमारे यहाँ के आदिवासी कर लेते हैं। ये पढ़े लिखे लोग जब बोलते हैं ना अरे बिना केमिकल के कुछ नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है इनकी डिग्री पे क्वेश्चन मार्क किया जाना चाहिए, इन पे नहीं, ये तो पैदाइशी मूर्ख है, पर इनको डिग्री वालों ने भी क्या सिखाया, वो एक और मूर्खता है। 5500 साल पहले जो मम्मी प्रिजर्व की गई थी, वो 5500 साल बाद जब इजिप्ट के पिरामिड को खोला गया तो भी संरक्षित थी, सुरक्षित थी। कोई ये बताना चाहेगा कौन सा केमिकल यूज किया था इंसानी, मृत इंसानी शरीर को बचाने के लिए? ये बेवकूफी है सर। मेरी दादी, मेरी नानी, उनके मदर, उनकी माताजी नींबू का
फ्रेश आम का जो 2-4 दिन में 10 दिन में सड़ जाता है, उनका अचार डाल के 2-2, 4-4 साल लग देते थे, 5-5 साल लग देते थे। तो सर वो कौन सा केमिकल डालते हैं? इथाइल पैराबेन डालते हैं, मिथाइल पैराबेन डालते हैं, सोडियम बेंजोएट डाल, वो सार्थक जी बता रहे हैं ऑयल डालते हैं। तो अच्छा ऑयल भी फिर एक केमिकल होगा, वो बुद्धि जी भी कहेगा ऑयल भी एक केमिकल है सर मैं बता देता हूं। तो भाई फिर ऐसे तो कैसे काम चलेगा। देयर हैड बीन मेनी वेज। ट्रेडिशनली घी निकाला जाता है सर, दूध 2 दिन में सड़ जाता है, 2 दिन में घी निकाला जाता था सर, ट्रेडिशन सालों तक नहीं सड़ता। घी के अंदर कौन सा प्रिजर्वेटिव डाला जाता है? यहाँ पे गांव के बहुत बच्चे होंगे, बुजुर्ग माताएं होंगी, कुछ अच्छे एज के होंगे, उनसे पूछिए सर कौन सा प्रिजर्वेशन डालती है आपकी माता जी घी के अंदर जो प्रिजर्व रह जाता है। फूड आइटम्स प्रिजर्व करना सर, इंडिया बड़ा पुराना करतार है जी, बहुत पुराना करतार है, आज का नहीं है। हम मतलब 5-7 हजार साल से प्रिजर्वेशन को जानते हैं, हम ऑर्गन सेविंग्स को जानते हैं, हम वो पहली पीढ़ी है जिन्होंने क्या नहीं करके दिखाया। और आज क्या तारीख में एक पढ़ा लिखा आदमी ग्रेजुएट होके भी ऐसी बेवकूफीपूर्ण बात करता है, ये बड़ी महान बेवकूफी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। प्रिजर्वेशन आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, जनजातीय कॉन्सेप्ट है। अगर आप रामायण को मानते हैं और महाभारत को मानते हैं तो रामायण के टाइम पे भी, मैं आपको बड़ा सिंपल एक और बात बता देता हूं, रामायण के टाइम पे रावण के पास 2 विमान और थे पुष्पक के अलावा, एक था चंद्रयान एक था मंगलयान, और मंगल पे कभी भी भोजन नहीं रहा है। तो मेरा यह मानना है जब भी मंदोदरी और रावण पिकनिक मनाने मंगल गए होंगे तो भोजन यहीं से लेके गए होंगे और बिना प्रिजर्वेशन के सड़ गया होगा। और आज भी जब हमारे पूर्वज थे वो 30-30 दिन 40-40 दिन सफर करते थे तो भी उनके पास फूड होता था, प्रिजर्व रहता था। वास्को दी गामा जब अपनी यात्रा पे निकला था तो कई साल भटका था पानी के जहाज पे, उसमें भी प्रिजर्व फूड था, 10 दिन 20 दिन 30 दिन वरना नहीं रहता। हरियाणा की आज भी एक लोकल डिश है जिसको बोला जाता चूरमा, और आज भी अगर कुछ लोग कुछ दिन के लिए ट्रेवल करते हैं तो उनको बना के दिया जाता है क्योंकि वो सड़ता नहीं है। इतना तो हम डेली रूटीन में प्रिजर्वेशन यूज कर चुके हैं, तो रेस्ट ऑल ऑफ दोज पीपल आर लॉजिकलेस, बाउंडेशनलेस, बुद्धि नहीं है, रेस्ट ऑल इज मिथ। We had been the masters of technologies, masters, sinceses, आज से नहीं कभी से। हम लोगों ने कांसे के, आयरन के वेपनरी बनाई हैं, हमने कॉपर के वेसल्स में पानी पीना चालू किया था। साइंस बहुत पुरानी है सर इंडिया के अंदर। तो ये सब बातें बेवकूफ लोग बेवकूफी में बोल रहे हैं, इनका कोई सार नहीं है। नेचुरल प्रिजर्वेशन आर ऑलवेज देयर, इट हैड बीन देयर। गुड ऑयल इज अ प्रिजर्वेशन, आपका अच्छा शुगर इज अ प्रिजर्वेशन, आपका नमक इज अ प्रिजर्वेटिव, सतलोबान इज अ प्रिजर्वेटिव, सतलोंग इज अ प्रिजर्वेटिव। और ऐसे अगर मेरे से ज्यादा अगर आप बुजुर्ग महिलाओं से पूछेंगे तो इतना बता देंगे, इतना बता देंगे कि दीवाने हो जाओगे। और सबसे लास्ट बात, और जिन लोगों को है तो मेरा उन बुद्धिजीवियों को एक क्वेश्चन मेरा डिलीवर कर दीजिएगा, उन्हें लगता है कि सवाल पूछने का हक उन्हें है। दर्जना इन सवाल पूछ लेगी ना तो 2-4 साल डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ेंगी, उसके बाद भी हमारा डिस्ट्रेस खा के ही इलाज होगा। उनसे अगली बार पूछ लीजिएगा, हर जगह का पानी सड़ जाता है, ये गंगा जी के पानी में कौन सा प्रिजर्वेटिव डाला जाता है भाई साहब जो ये सदियों तक नहीं सड़ता? ये सवाल का जवाब उन बुद्धिजीवियों से लेके आइएगा सर। क्यों मिथाइल पैराबेन गंगोत्री के स्रोत पे लगा रखा भारत सरकार ने या कहां लगा रखा है, या पूरे हिमालय की बर्फ में मिथाइल पैराबेन डाला हुआ है? क्योंकि बिना केमिकल तो कोई प्रिजर्वेटिव होता नहीं है, और भाई साहब गंगा जी का पानी तो कभी सड़ता नहीं है। तो मेरे को उन बुद्धिजीवियों से जानना है, What is the preservative used in Holy Ganga water that is preserving this water for infinity, eternal? तो पूछ के आइएगा सर। जब जवाब नहीं मिलेगा तो उन्हें शरण में ले लीजिएगा, ज्वाइनिंग करा लीजिएगा, जवाब मैं दे दूंगा। ठीक है सर, प्रोडक्ट पे हमारे बहुत क्वेश्चंस हो गए और आपने ऑलरेडी पोस्टमार्टम कर दिया है। हमारे सारे लोग आप नीचे देख ही रहे होंगे कमेंट बॉक्स में, सब फुल स्माइल कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा प्लान पे भी बातचीत कर लें। तो मैं चाहता हूँ सर 15-20 मिनट जो है थोड़ा सा आपसे प्लान पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने जो तैयार किए हैं अपने लोगों से पूछिए। और जिसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये जो रिटेलिंग इनकम है इसका नेटवर्किंग में क्या इंपॉर्टेंस है? नेटवर्किंग तो नेटवर्क बनाने के लिए होती है, तो रिटेलिंग की जो इनकम है इससे कहीं ना कहीं नेटवर्किंग पे फर्क पड़ता है और रिटेलिंग इनकम की इतनी जरूरत नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, रिटेलिंग की तो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं सर। रिटेलिंग तो मैं मानता हूँ एक फालतू का धंधा है, ये होना ही नहीं चाहिए।
होनी सिर्फ नेटवर्किंग चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो सब भूख से नहीं मर जाएंगे। मुझे लगता है जब आपने चावल खाया है या वीट खाया तो रिटेलिंग की वजह से खाया होगा। मुझे लगता है जब आप कपड़े पहने बैठे तो रिटेलिंग की वजह से पहन के बैठे होंगे, किसी ने कहीं ना कहीं रिटेल किया होगा। तो वैसे जो बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में रिटेलिंग की कोई महत्व नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं चाहता हूं कि बाकी सभी कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग की दारिजनैन के अलावा अगर अपनी रिटेलिंग बंद कर देते हैं तो मैं उनके प्रति बहुत एहसानमंद रहूंगा। वो खाली नेटवर्क करें, मेरी शुभेच्छा उनके साथ है और उसके लिए जो भी उन्हें चाहिए होगा, प्रोडक्ट भी चाहिए होंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन रिटेल ना करें बस, क्योंकि वो मानते हैं रिटेल कोई महत्वकारी काम है ही नहीं। हाँ, लेकिन भारत सरकार बेवकूफ है सर, वो कहती है कि हमारी एक छोटी सी लाइन ऐड कर रहा हूँ सर, ये भी बोला जाता है कि रिटेल करा के आप लोगों को सेल्समैन बना रहे हो, हम यहाँ लोगों को लीडर बना रहे। तो लीडर क्या कर रहे हैं, कुतुब मीनार पे चढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कहा है कि लीडर बना रहे हैं। ऐसे तो कुछ ना बनना, अगर बनाना और ना बनना और ना बनाना कुछ लीडर होता है ना पंकज जी, तो मैं उनको बोलता हूँ उस लीडर को जब गूगल पे ढूंढोगे ना तो उसका मीनिंग निकलेगा हिंदी में, लीडर इज इक्वल टू बेवकूफ, कि हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि कुछ तो बन नहीं पा रहे हैं, रिटेलर भी मत बनने दो। नेटवर्कर क्या होता है, नेटवर्कर की परिभाषा क्या है, आज तक उन्होंने खुद पढ़ी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए नेटवर्कर, क्या बना रहे हो लीडर में, दांत निकल आते उनके वैम्पायर की तरह, हम लीडर बना रहे हैं तुम सेल्समैन बना रहे हो। अरे भाई, हम किसी को कुछ नहीं बना रहे, हम चंद प्रोडक्ट अच्छे प्रमोट करते हैं और लोगों के जीवन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर वो लीडर बना रहे हैं तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में 100% लोग लीडर क्यों नहीं बनते थे? और अगर हम सेल्समैन बना रहे हैं रिटेल करा के, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 100% रिटेलर क्यों नहीं? इस देश का, इस दुनिया का, इस विश्व का विज्ञान एक ही चीज पर टिका है, जिस चीज को आप अपनी जीडीपी बोलते हो उस जीडीपी का लगभग 80% रिटेल से आता है। हर एक चीज जब तक रिटेल में नहीं पहुंच जाती है तब तक बड़ा नहीं कर पाती है। शराब की मैन्युफैक्चरिंग बड़ा बिजनेस नहीं है, शराब की होलसेलिंग बड़ा बिजनेस नहीं है, शराब की रिटेलिंग बहुत बड़ा बिजनेस है। इसी प्रकार से आपका गेहूं उगाना बड़ा बिजनेस नहीं है, किसानी बड़ा बिजनेस नहीं मानी जाती है, जमींदारी बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन किसानी को रिटेल को बेचना बड़ा बिजनेस है। बिना रिटेल के किसी का सर्वाइवल है ही नहीं, वो पॉइंट ही नहीं है कोई भी। आपका जीडीपी सर्वाइव ही रिटेल से होता है, हर एक चीज का, चाहे वो तेल है, चाहे वो नमकीन है, चाहे वो बिस्किट है, चाहे वो दाल है, चाहे चावल है, चाहे आटा है, जब रिटेल में कोई चीज आती है ना सर, तब निकलती है। हमारे देश के अगर जितने भी लोग बिजनेसेस में हैं अदर देन जॉब, या जो भी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपने रिटेलर्स पे रहते हैं, हम किसी को रिटेलर्स नहीं बनाते सर, हम किसी को लीडर भी नहीं बनाते हैं। ये वहम है, अगर जितेंद्र डागर को है या कंपनी को है या पंकज जी को है, किसी और को है, हम किसी व्यक्ति को कुछ नहीं बनाते, कुछ बना भी नहीं सकते। मैं और आप सिर्फ प्रयास करते हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर जितनी क्षमताएं होती हैं, जितना लर्निंग एटीट्यूड होता है, जितना बड़ा माइंडसेट होता है, वो व्यक्ति उन चीजों को ग्रैब करके अपनी स्किल्स को सुधार के अपने आप को बेटर वे में लेके जाता है। कुछ लोग उसे सरल मानते हैं, रिटेलिंग एक सरल पहलू होता है, कुछ लोग अपने पहले नन्हे कदम रिटेलिंग से चलते हैं, कुछ लोग नेटवर्किंग से चलते हैं। आज तक दर्जनन ने किसी को फोर्स नहीं किया, नरेंद्र जी 15 लाख रुपए कमा रहे हैं तो हमने नरेंद्र जी को फोर्स नहीं किया, करो सर आप रिटेलिंग क्यों नहीं करते। इसीलिए मैंने किसी नए बच्चे को ये भी नहीं बोला कि अरे सर आप नेटवर्क क्यों नहीं करते। हम दोनों को समझते हैं, हम सीमाओं को समझते हैं, हम क्षमताओं को समझते हैं। एक दिन में क्षमता विकसित नहीं होती, नेटवर्किंग नो डाउट अमीर बनाने का रास्ता है, लेकिन अमीर बनने की काबिलियत, क्षमता, समझ एक दिन में पैदा नहीं होगी पंकज जी। लेकिन व्यक्ति की प्रारंभिक आर्थिक जरूरतें प्रारंभिक पहले दिन से हैं सर। आज अगर कोई व्यक्ति मेरे पास नेटवर्कर बनने आ रहा है, उसके बच्चे की स्कूल फीस जानी है ना सर, तो उसकी आज से जरूरत है। पंकज जी मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई नेटवर्कर बन जा, देख तू 12वें महीने में तेरे को आएगा, तो 11 महीने क्या उसके बच्चे भूखे मरेंगे क्या, उनकी फीस नहीं जाएगी क्या? और अगर फीस जानी है तो क्या करेगा, और कितने लोगों को रिटेल में लेके आएगा? ज्यादातर अच्छे पढ़े लिखे तार्किक लोग भी अलग अलग जॉब्स में हैं, और अगर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, अगर वो बाकी चीजें सेटिस्फाइड हैं, तो फिर वो नेटवर्क नहीं करना चाहते, लेकिन प्रोडक्ट तो खरीद ही सकते हैं ना सर। सेल्समैन का मतलब होता है डोर टू डोर जाके नॉक करना
और माल को बेचना और दोबारा ना लौट के आना और कंपनी के पेरोल पे रहना, एक बार जो माल बेच दे दोबारा उससे इनकम नहीं आती है सेल्समैन को। सेल्समैन ही एक बहुत अलग चैप्टर है। रिटेलिंग का मतलब है मैं गया बिजनेस में, बंदा इन नहीं हुआ लेकिन मेरे से प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट पसंद आ रहा दोबारा ले रहा है, तो आई एम प्रोमोटर ऑफ द प्रोडक्ट नॉट अ सेल्समैन। आप अमिताभ बच्चन को क्या बोलेंगे? नवरत्न कूल कूल का तेल का सेल्समैन है अमिताभ बच्चन। नवरत्न तेल रखने वाले रिटेलर्स क्या उसके सेल्समैन हैं? ये लोगों को मैंने कहा ना सर डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 15 साल में एजुकेशन हुआ ही नहीं है और मेरी मजबूरी है कि इंडस्ट्री को हम मात्र भूमि की तरह देखते हैं तो हम जवाब नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज तो हमारे नेटवर्कर जिस तरीके की बुनियादी तर्क रख रहे हैं उस पर स्टैंड अप कॉमेडी शो बन सकते हैं। ये बेवकूफ तो ये भी बोल देंगे कि एक दुकानदार ब्रिटानिया की ब्रेड बेच रहा हूं उसका सेल्समैन हो गया। रिटेलर इज इक्वल टू सेल्समैन, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं बंकर जी, आई एम सॉरी टू से, और कहीं नहीं होती है बातचीत। तो ये सारा बेवकूफी बना है। नेटवर्किंग रिटेलिंग दोनों इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है सर, ये निकल ही नहीं सकता। कुछ रिटेलर्स होंगे इसलिए कुछ नेटवर्कर्स को चेक आएगा, कुछ नेटवर्कर्स होंगे इसलिए कुछ रिटेलर्स डेवलप। अल्टीमेटली मकसद है जन जन तक प्रोडक्ट पहुंचे। हर किसी व्यक्ति की काबिलियत नहीं है पंकज जी, मेरे ख्याल से आपको भी नेटवर्किंग सीखने में 2-3 साल 4 साल लगा होगा, अभी भी सीख ही रहे होंगे। नेटवर्किंग एक स्लो प्रोसेस है सर, हाँ स्पॉन्टेनियस है, एक्सपोनेंशियल इनकम के लिए जरूरी है लेकिन सब्र रखना चाहता है। रिटेलिंग अगर किसी की जरूरत है सर नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चा कर सकता है, और अच्छा प्रोडक्ट को किसी को बताने में कुछ शर्म नहीं आनी चाहिए। सेल्समैन ही नहीं है ये, सेल्समैन ही का मतलब होता है घटिया प्रोडक्ट मजबूत एक्स्ट्रा दावे करके किसी को एक बार देके आ जाना और दोबारा शक्ल मत दिखाना, दैट इज सेल्समैनशिप मेजरली। तो वो सब अलग है, वो डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, खुद का दिमाग कमजोर है तो इस तरीके के तर्क दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि सर जो लाइन आपने डिजाइन किया है इसमें अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी भी बहुत इजी करी है। कंसिस्टेंसी में आपने जो प्रॉफिट्स निकाले हैं 35% तक, वहां से लेके इनिशियल लेवल पर बिगिनर लेवल पर इनकम ज्यादा दी है, और ये कहीं ना कहीं मतलब बताया जाता है कि अगर आप बिगिनर लेवल पे ही अगर जैसे रिटेलिंग में भी आपने 50% डिस्काउंट हर लेवल पे दे दिया, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनाइजर में क्या होता है कि 50% का डिस्काउंट एक लेवल मैनेजर ले लिया, एक लेवल लिया वहां मिलता है, लेकिन आप पहले दिन से लोगों को वो डिस्काउंट भी दे रहे हैं, पहले दिन से 50% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, पहले दिन से आप लोगों को कंसिस्टेंसी में इनकम भी दे रहे हैं, रिटेल करने पे भी इनकम दे रहे हैं, पहले दिन से आप उनको एक अच्छी इनकम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप बिल्ड होने वाली चीज उनके अंदर नहीं आती। पहले दिन से बस वो पैसा कमाते हैं और फिर यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये एक चीज आती है कि आपके प्लान में नीचे के लेवल पे पैसा ज्यादा है, ये भी एक दिक्कत की बात है। ये दिक्कत की बात बिल्कुल है सर, मेरे पास नीचे के लेवल पे लोग भी तो ज्यादा है पंकज जी, मेरे पास नीचे के लेवल पे लोगों की जरूरतें भी तो ज्यादा है। एक व्यक्ति मेरे सिस्टम में 2 लाख रुपए कमा रहा है सर, 3 लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख रुपए कमा रहा है, मैं उसे बोलता हूँ सर सब्र करिए, 2 साल में आप 10 लाख पे पहुंच जाएंगे, 15 लाख पे पहुंच जाएंगे, यानी 3 गुना पे आउट पे पहुंच जाएंगे। उस व्यक्ति का सब्र रखना पंकज जी बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन एक व्यक्ति जिस व्यक्ति का 2000 रुपए महीना आ रहा है और मैं बोलता हूं कि आप 3 साल सब्र रखिए, आप 6000 के चेक पे पहुंच जाएंगे, ऐसी किसी सूरत के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर उस व्यक्ति का सब्र रख पाना बहुत मुश्किल है। तो नीचे के लेवल पे जब हम लोगों को इनकम देंगे, जब उनके दैनिक जरूरतों का, मासिक जरूरतों का जो आगमन है वो खत्म होगा, तभी उस व्यक्ति में लीडरशिप जागेगी। वो एक बड़ी पुरानी कहावत है, भूखे पेट ना भजन हो गोपाला। आप भगवान का भजन भी नहीं कर सकते हैं भूखे पेट, तो आप नेटवर्किंग करना, व्यापार करना, बड़ा कुछ करना, ये सब छोड़ दीजिए, वो सब नहीं हो सकता है, किसी सूरत में नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक नीड्स पे ध्यान देना है। बेसिक नीड्स के बाद जैसे 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 लीडरशिप आगे जाएगी, उन्हें थोड़े टफ टारगेट भी मिलेंगे तो वो लीडरशिप उसमें कमलेटाइज कर लेगी, अगर वो नहीं होता है तो कमलेटाइजेशन नहीं हो पाएगा। बड़ा सिंपल है, इसलिए हमने संयमित पैसा बांटा है। हहां थोड़ा सा झुकाव 1 लाख रुपए तक की इनकम के लिए ज्यादा है, नो डाउट अबाउट दैट। 1 लाख रुपए की इनकम के बाद 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक थोड़ा है, 5 के बाद सिस्टम थोड़ा सा और स्लो होता है, लेकिन यही तरीका भी है। अगर सिस्टम बाद में एग्रेसिव रहेगा तो 5 लाख वाला तो 1 करोड़ जल्दी कमाएगा, लेकिन जरूरत 5000 वाले को 20000 रुपए जल्दी कमाने की है। ये किसी भी प्लान का, बिजनेस प्लान का बुनियादी पॉइंट होता है। तो हम सभी को सीमित तरीके से पैसा दे रहे हैं,
थोड़ा सा झुकाव फ्रेशर्स की तरफ ज्यादा है, इस मामले में कोई डाउट। सर प्लान पे एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जैसे सर हर तरीके के लोग जो हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके अलग अलग तरीके के थॉट होते हैं, अलग अलग तरीके के परसेप्शन होते हैं, जो मल्टी लेग में काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग टू लेग के प्लान लीगली नहीं होते और जो टू लेग में प्लान काम करते हैं उनके लिए मल्टी लेग का प्लान कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज जो होती है कि भाई हमारा डिस्ट्रीब्यूशन 100% है, हमारा 200 है, तो एक जो चीज है मैं इन चीजों पर नहीं जाता कि किसका क्या है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने जिस प्लान को डिजाइन किया है मोस्टली, तो हमारे प्लान के अंदर क्या खास बातें हैं जो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन से लेके क्या बेस्ट चीज है, वो थोड़ा सा हमारे लोग यहाँ पे जानना चाहिए। देखिए दो चीजें हैं सर, पहली चीज ये है कि ये दोनों ही लोग तर्किंग है और दोनों ही लोग मूर्ख है, पहली चीज। दूसरी चीज वो लोग बोलते हैं कि 2 लाख का प्लान लीगल नहीं है, मैंने पहले भी कहा मैं इस चीज से 100% सहमत हूँ, ये प्लान टोटली इलीगल है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। बस मुझे एक चीज चाहिए, जहां भारत सरकार ने लिखा होगा ना लीगल इलीगल कौन डिसाइड करता है, तो कोर्ट डिसाइड करती है या भारत सरकार डिसाइड करता है या कोई तीसरी एमएलएम कंपनी डिसाइड कर सकती है चीज या नेटवर्क डिसाइड कर सकता है, इसको डिसाइड करने का हक तो भारतीय सरकार को या भारतीय न्याय व्यवस्था को है, कोर्ट को है। इन दोनों में से किसी भी एक का कोई भी डॉक्यूमेंट मुझे कभी भी कोई भी इंसान दिखा सकता है कि सर ये देखिए यहां लिखा है कि एमएलएम में 2 लाख का प्लान करना इलीगल है, उस दिन हम बातचीत करेंगे। आज तक तो कोई मुझे कागज, लीगल कागज नहीं लेके आ पाया है कि यहां ये बात लिखी हुई है। ये बात लिखी हुई है मल्टीपल क्लैक करने वाली कंपनियों के मस्तिष्क के ऊपर और उनके नेटवर्करों के ऊपर जो तर्क से नहीं भावनाओं से चलते हैं, ये पहली चीज। लेकिन क्या मैं इस चीज से ये बोलूं कि मैं 2 लाख का समर्थन करता हूं? नहीं। कि मैं ये बोलूं कि मैं मल्टीपल लाख का विरोधी हूं? नहीं। मैं आज भी ये बात बोलता हूं कि दोनों ही प्लान एक ही है, दोनों ही प्लान एक ही है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है मैं बता देता हूं। 2 लाख के प्लान में शुरुआती दौर में पैसा जल्दी आता है, तेजी से बढ़ता है, मल्टीपल लाख के प्लान में वही पैसा बाद में तेजी से बढ़ता है। 2 लाख के प्लान में शुरुआती पैसा तेज आएगा, बाद में पैसा धीमा पड़ेगा, वहां पे शुरुआती पैसा बहुत धीमा आएगा, बाद में तेज हो जाएगा। आपको मल्टीपल लेग के प्लान में अगर पैसा ज्यादा चाहिए और तेज चाहिए, गति बना के रखनी है, तो लेग खोलनी पड़ती है। आपको 2 लाख के प्लान में भी एक समय के बाद अगर ज्यादा पैसा चाहिए, एक्सपोनेंशियल चाहिए, तो लेग खोलनी पड़ती है। तो 2 ही लेग है तो खोलेंगे कैसे, यही फर्क है दोनों प्लान के बीच में। जेनरेशन प्लान में आप एक आईडी पे ही तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, दसवीं लेग खोल सकते हैं और 2 लाख के प्लान में आप एक अलग आईडी पे तीसरी लेग खोलते हैं। बस यही अंतर है इन दोनों के बीच में। मल्टी लेग के प्लान में आप चाह के भी किसी की मदद नहीं कर पाते हैं, 2 लाख के प्लान में आप बहुतों की मदद का रास्ता बन जाते हैं। तो इसमें कोई भी टेक्निकल भ्रम ना फैलाया जाए। हाँ, जिनको शुरुआत में अच्छा करना है 2 लाख का प्लान इसलिए जरूरी है क्योंकि शुरुआत में आदमी उतना नहीं सीख पाता, उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता, तो 2 लाख के प्लान शुरुआत में सपोर्ट अच्छी कर देता है। हाँ, लेकिन मल्टीपल लेग की तरह ही अगर आपको बड़ी और एक्सपोनेंशियल इनकम चाहिए होगी 25-25 लाख बीबी मैच करने के बाद, आपको यहां पर भी जरूरत महसूस होगी कि क्यों ना मैं तीसरी लेग खोलूं, वो यहां पर भी रहेगा लेकिन वो 25-25 लाख बीबी के बाद रहेगा। उससे पहले आप कमाते रहेंगे, दूसरों का सोचेंगे तो भी कमा लेंगे। मल्टीपल लेग में आपको अपना सोच के ही चलना पड़ता है, दूसरे को दूसरे के भरोसे छोड़ देना पड़ता है, यहां हम एक दूसरे की सामायिक मदद कर सकते हैं, यही दोनों में डिफरेंस है। जी सर, सर एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दार्जुमैन को लेके अब आगे आपका विजन क्या है, क्योंकि करंटली दार्जुमैन मार्केट में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और बहुत तेजी से आगे जा रहे, तो आगे आपका क्या विजन है इन चीजों को लेके, वो थोड़ा सा हमारे सारे लोग एक बार यहाँ पे जानना चाहेंगे। सर, बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर नेटवर्क, बेहतर लोगों के साथ, ये मेरा गंभीर विजन है सर। नेक्स्ट, अभी प्रोडक्ट हमने बेहतर दे दिए, प्लान हमने बेहतर दे दिया, अब मेरी इच्छा यह है कि लोग भी बेहतर आए। और अभी तक हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारा 99% क्राउड दारुजमैन का बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक माहौल है, कोई किसी के खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं करता, कोई कंप्लेंट्स नहीं आती सर इसने स्नेचिंग किया, ये सब हमारे बच्चों के दिमाग में बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में इस समय ऐसा माहौल कहीं नहीं है जहां आपको
इंटेंस पॉजिटिविटी मिलती हो, बच्चों का अपने काम पे फोकस हो रहा है अदर देन चीजों को, कंपनी उसमें नो डाउट स्ट्रिक्ट है इसलिए भी ये है, लेकिन है। अब सबसे बड़ी चीज है सर, मैं जो चाहता हूं हमारी टीमें पावर ऑफ रिजेक्शन को बहुत यूज करें, लगातार अपने दीवारों पे रख दें, घटिया लोगों को सिस्टम के साथ ना इन कराया जाए, उनको एंटर ही ना करने दिया जाए। बहुत लोग आते हैं ये बड़ा लीडर है, वो बड़ा लीडर चाहिए नहीं भाई, इतना बड़ा लीडर है तो कहां मेरे चार्ट में फिट होगा, तेरा साइज बड़ा है, मेरा चार्ट गड़बड़ हो जाएगा, तू आ ही मत, तू रह ही नहीं दे। ये जो एक संवाद चलता ना, ये बड़ा लीडर है, मैंने किले फतेह किए थे, तो मैंने एक लीडर को बोला था, मैं सबके सामने बोल देता हूँ, शायद आपका माइंडसेट हो, मैं एक बार जोधपुर घूमने आया हुआ था, तो जोधपुर में मैं किले पे गया तो गाइड ने मुझे बताया, बोले ये जो तोप आप देख रहे हैं ना, ये पता नहीं कितना बताया, 400 साल पुरानी है, कितनी है, जब ये पहली बार हिंदुस्तान में आई तो उसके नाम के चर्चे थे, ये 40 किलोमीटर दूर तक बारूद मार देती थी, उस टाइम ये इंडिया की सबसे बड़ी तोप थी। तो सॉरी टू से, सॉरी अबाउट माय वर्ड्स, मैंने कहा लेकिन आज तो इस पे कबूतर हग रहे हैं, आज क्यों बता रहा है मुझे ये सब बातें, आज इसका जीरो वैल्यू है। तो मैंने कहा इससे बढ़िया इस तोप को डिसमेंटल करके इसके लोहे से एक अच्छा टैंक बना लो, इस लोहे को कुछ तो इज्जत मिल जाएगी। तो आज बड़े लीडर वही हैं सर, या बड़ी चीजें वही हैं, ये जो एक फालतूपना है ना, बुद्धिजीवी, चाहे फ्रेशर है, चाहे एग्जिस्टिंग है, चाहे दूसरी कंपनी से, इज्जत का हकदार है। वरना सबसे बड़ा विजन मेरा यही है कि अच्छे लोगों को भर्ती करिए, बुरे लोगों को कस्टमर बनाइए, बहुत बुरे लोगों को दूर से नमस्ते कहिए, उन्हें व्हाट्सएप पे भी मत बोलिए, दूर से नमस्ते, ऐसे बस हाथ हिला दो नमस्ते समझ जाए, ये नेक्स्ट विजन है। सो दैट हमारी टीम 10 लाख लोग ही जुड़े पूरी कंपनी में, ज्यादा नहीं जुड़ना, 1-2 करोड़ 3 करोड़ का ड्रामा नहीं करना मुझे, 10 लाख लोग ही जुड़े, लेकिन 10 लाख लोगों से 100 करोड़ लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचे, और इन 10 लाख लोगों में से 100% व्यक्ति पैसा कमाए, ये मेरी विजन का नेक्स्ट पार्ट है। डू नॉट रिक्रूट दोज पीपल हु आर मेंटली पुअर, दिमाग से पैदल और बीमार लोगों को अपने नेटवर्क का हिस्सा ना बनाएंगे, नेक्स्ट विजन है। मजबूत लोग, मजबूत सोच, मजबूत फैसले और एक अच्छा करियर बनाने वाले, और बाकी तो दर्जने आगे से आगे ग्रोथ करती रहेगी सर। प्रोडक्ट में तो हम थे, हैं और दावा है रहेंगे भी, आगे थे, आगे हैं, आगे रहेंगे। सर जो लोग दार्जुब के साथ पूरे शिद्दत से काम कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ, जो आपके सारे बच्चे, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि आगे चल के हम किस तरीके से चीजें होने वाली हैं, थोड़ा सा एक मैसेज मिल जाए आपकी तरफ से लास्ट में। देखिए मेरा एक ही मैसेज है सर कि जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, सपना आपका है। दूसरे नेटवर्क मार्केटरों की तरह मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम लोग आप लोगों के लिए कुछ करेंगे, नहीं, हम लोग साथ में कुछ बड़ा करेंगे, कंपनी अपनी, लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। छोटा सा मैसेज मैं दे देता हूं, अगर आप लोगों में से कोई भी अमीर होने का सपना देख रहा है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, उस अमीर होने के सपने देखने की 100% जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। अगर कोई मदद किसी और से आ जाती है, अपलाइन से आ जाती है, कंपनी के प्रोडक्ट से आ जाती है, कंपनी से आ जाती है, तो उसमें भगवान का शुक्र मनाइए, और ऐसा कोई दिन मत करिए जिस दिन उसकी जोत बत्ती अगरबत्ती आप ना करें, ये जरूर करते रहिएगा, ये बहुत ज्यादा मैंडेट है। और एक स्पाइडरमैन का डायलॉग था, बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, और अगर आप लोगों को बड़ी ताकत हासिल करनी है तो उल्टा कर लीजिए, बड़ी ताकत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के चल रहे हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी कर सकता हूं कि दर्जनाइन बिना किसी डाउट के, बिना किसी 1% शंका के 100% आप लोगों को वो करियर देगी जिसको आप विचार करके चलेंगे, बशर्ते आप अपने उस सपने के लिए 100% खुद भी कमिटेड हो। अगर आपका सपने में आप 99% कमिटेड हैं तो दर्जनाइन और सीनियर्स आपके सपने के प्रति 100% लापरवाह है। जिस दिन आपका अपना डेडिकेशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1% कम हो जाती है, उस दिन यूनिवर्स की पोटेंसी, यूनिवर्स की जिम्मेदारी 100% कम हो जाती है। तो मैं आप लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जिंदगी में चाहे कुछ हो जाए, अपनी सफलता की 100% जिम्मेदारी खुद लेके चलिएगा। 99.99 भी जिस दिन वो हो गई, मैं उस दिन अपने 17 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं,
100% जिम्मेदारी यूनिवर्स सप्लाइंग कंपनी की खत्म हो जाती। तो 0.01 भी उसमें कमी ना आने दे, अपनी सक्सेस अपनी चीजों की जिम्मेदारी लेके चले, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। पॉइंट टू पॉइंट अगर बोलूं, आपने बताया प्रोडक्ट को मानने से अच्छा है जानना इम्पोर्टेंट है, इंग्रेडिएंट पढ़ें, उन चीजों को समझें, और साथ ही साथ में आपने सारे सर्टिफिकेट से लेके हर एक चीज की बात की। कुतुब मीनार वाला आपका बड़ा अच्छा था सर, कि लीडर कुतुब मीनार पे चढ़ के बना रहे हो क्या अगर प्रोडक्ट सेल करके या रिटेल करके नहीं बना रहे हो, तो वो बड़ा ही अच्छा था कि ऑब्वियसली बात है लीडर का मतलब भी यही है। और भी बहुत सारी चीजें थी तो बड़ी ही जबरदस्त रही सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, एक मजाक में पूछ लेता हूँ, आपको सर नंबर वन नहीं बनना है क्या? कभी भी नहीं बनना सर, मेरे को चूहा दौड़ में भागने का शौक ही नहीं है, अपने को बेस्ट बनना है। नंबर वन अगर परमात्मा चाहेगा तो जरूर बनेंगे, ईश्वर के साथ पंगा नहीं लेना, मैं गॉड फियरिंग आदमी हूँ, परमात्मा जो चाहेगा होगा। हाँ, बेस्ट तो हम आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। नंबर वन जब परमात्मा की दया होगी हो जाएगी, नहीं तो नंबर टू में भी मैं खुश हूं। देखिए एमएलएम में 3000 कंपनियां हैं पंकज जी, हर किसी की लड़ाई है, हर कोई बोलता है हम नंबर वन है। मैं हमेशा बोलता हूं हमारा, हमसे पूछो हम नंबर टू है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारे को सब नंबर टू मानते हैं, बाकियों का फैसला वो करते रहेंगे, हम नंबर टू में मजेदार आदमी हैं, हम अपना बेस्ट करते रहेंगे, बाकी परमात्मा और कंज्यूमर पागल नहीं है सर। मनोज कुमार ने, राजेश खन्ना ने बोला था बहुत पुरानी फिल्म में, ये पब्लिक है ये सब जानती है, ये जो पब्लिक है तो पब्लिक है सर, ये सब जानती है। धीरे धीरे सबकी सब पोले खुलेंगी, आराम से खुलेंगी, हर ढोल अपनी पोल आखिरी में खोल लेता, वो खोल लेंगे। उन्हें नंबर वन बने रहने दीजिए, हम बेस्ट बन के खुश हैं, और बाकी तो पब्लिक है ये सब जानती है, नंबर वन भी पहुंचा देगी, ये नंबर वन पे बना के भी रख लेगी, सब कर लेगी। मेरी दौड़ नंबर वन बनने के लिए नहीं, मेरी नंबर वन अपने लोगों के लिए बेस्ट बनने की, और मेरी दौड़ उतनी ही रहे उसमें मैं बहुत खुश हूँ। सर एक और क्वेश्चन है, हमारे सारे बच्चे पूछ रहे थे सर हमें भी कहीं बैंकॉक थाईलैंड घुमा दो सर कोई। हाँ, वो भी हम नहीं घुमाते सर, वो भी टारगेट घुमाते हैं हम, जल्दी टारगेट निकाल देंगे तो टारगेट निकल जाएगा, जिसको बैंकॉक थाईलैंड घुमाना उसे घुमा देंगे। कुछ लोग बैंकॉक थाईलैंड में जरूर घुमा देते हैं, कुछ लोगों को उन्हें बैंकॉक थाईलैंड तो नहीं घुमाते, उन्हें बैंकॉक थाईलैंड ले जाके घुमा देते हैं, तो वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, बैंकॉक थाईलैंड को घुमाने के लिए जरूर टारगेट कर देंगे, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कहा बच्चों की खुद की, हम टारगेट दे देंगे, घुमाएंगे बच्चे, वो हो जाएगा, वो किया जा सकता है। ओके सर, सो थैंक यू सो मच सर अपने जबरदस्त कीमती समय के लिए, और बहुत अच्छा लगा सर। मुझे पता है आपका नेक्स्ट सेशन भी है तो ज्यादा समय अभी नहीं लूंगा। सो अगेन जितने भी लोग हैं एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हैं कैसा रहा आज का सेशन, आपके लिए कितना फ्रूटफुल था, कितना अच्छा आपको लगा, आप चैट बॉक्स में यहाँ सर को रेस्पॉन्स कर सकते हैं। सो यहाँ पे सर आप रेस्पॉन्स देख सकते हैं, एंड अगेन थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और बहुत सारी चीजें हमने आज सीखी। और नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करता हूँ सर कि जितने भी लीडर हैं जिन्होंने आज ये लेसन लिया, इन सारी चीजों को फील्ड में अप्लाई करेंगे, इन सारी बातों को सीख के ना सिर्फ ये कि बस निकाल देंगे, इन सारी बातों को फील्ड में अप्लाई करेंगे, मेहनत बढ़ाएंगे। और जो एक बात आपने बोली कि अच्छे लोगों के साथ में आगे बढ़ना है, तो बस वही चीज है कि अच्छे लोगों की टीम बनानी है और सर डेफिनेटली बहुत बड़ा करना है सर। मैं जानता हूं सर दार्जुम नाइन तो 100% बड़ा करेगी ही, लेकिन अपनी टीम के व्याप का ये जरूर मैं कह सकता हूं कि दार्जुम नाइन जहां जहां जाएगी हमारी टीम हर उस जगह पर दार्जुम नाइन के साथ खड़ी होगी, उन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही होगी और बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहां से निकाल रही होगी सर। ये मैं आपको अपनी टीम की तरफ से कमिट कर सकता हूं सर। 100% सर, मुझे भी यही उम्मीद है। या थैंक यू सर। बाकी सर आपका कुतुब मीनार वाला बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो आज तो मैं उसको लिख लिया। हाँ, ताजमहल पे भी कर सकते हो सर, पंटी एंड बबली में दोनों बेच दिए थे उन्होंने, प्रोडक्ट नहीं बेचते थे उन्होंने, ताजमहल कुतुब मीनार ही बेच दिए थे। चलिए थैंक यू सो मच, मेरे को दूसरा जूम सेशन जरा ज्वाइन करना पंकज जी, तो मैं इजाजत। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, होप गाइज आज का ये सेशन आपको मजेदार लगा होगा। एक बार चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स जरूर कर दीजिए कैसा लगा आपको ये सेशन। आप लोगों के जबरदस्त वाले रिस्पॉन्स को देखने के लिए मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे हूँ, आप लोगों के व्यू में यहाँ पे देखना चाहता हूँ कैसा लगा आप सभी को ये सेशन। संजय जी बोल रहे हैं सुपर डुपर ऑसम अमेजिंग, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी नॉलेजेबल, मजा आ गया, बहुत ही शानदार सुपर डुपर। चलिए तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मंथ में ऐसे एक दो सेशन लाते रहे हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर, कभी प्रोडक्ट के ऊपर, कभी कॉन्सेप्ट प्लान के ऊपर, कभी और भी चीजों के ऊपर? अगर आप चाहते हैं तो आप लोग बस अपना बिजनेस लगातार ग्रो करिए। अभी नवंबर मंथ के अंदर जो भी हमारे पास 10 दिन का समय बचा है,
10 दिन में जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करिए, ताकि मैं सर को बता सकूं कि सर उस दिन के सेशन से हमारे बिजनेस में इतना कुछ उछाल आया और आने वाले समय में और जबरदस्त टॉपिक्स के साथ में सर का समय ले सकूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट इस मंथ की क्लोजिंग के लिए। थैंक यू सो मच।